नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। मिशन 2024 के लिए बीजेपी रायबरेली में, कांग्रेस और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का गढ़ ध्वस्त करने की रणनीति बना रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा इन इलाकों का दौरा करेंगे। बीएसपी में भी आज बड़ी सियासी हलचल हुई है। इमरान मसूद को मायावती ने बसपा से बाहर निकाल दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया गया। वहीं घोसी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने प्रचार किया। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जहां संत समाज नाराज है, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। तो 24 की लड़ाई यूपी में सियासी पारा हाई, आज इसी पर महाबहस। लेकिन पहले हेडलाइंस। रक्षाबंधन से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सभी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता। पीएम मोदी बोले, बहनों का जीवन होगा आसान। अमित शाह और सीएम योगी ने जताया पीएम का आभार। खेल दिवस पर सीएम योगी ने हॉकी खेलकर खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का किया अनावरण, झांसी को दी 2000 करोड़ की सौगात। बीएसपी से निकाले गए इमरान मसूद, पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से मायावती ने लिया एक्शन। एसपी छोड़कर बीएसपी में हुए थे शामिल। चंद्रमा से रोवर प्रज्ञान ने भेजा संदेश, धरतीवासियों का पूछा हालचाल। कहा, विक्रम लैंडर के संपर्क में, रहस्यों की कर रहा तलाश, कुछ दिन में दूंगा अच्छी खबर। सोनिया डिंपल का गढ़, बीजेपी का प्लान फतेह। बीजेपी ने मिशन 80 के लिए अब नई रणनीति बनाई है। रायबरेली से लेकर मैनपुरी में बीजेपी की बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सोनिया गांधी, डिंपल यादव को हराने का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। रायबरेली मैनपुरी में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम होंगे। और सोर्सेज की माने तो बीजेपी पहले से ही इन दोनों लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। यूपी में हारी 14 सीटों पर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। यूपी में मिशन 80 के लिए बीजेपी का मंथन जारी है। इसी पर होगी डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सोनिया डिंपल का गढ़, बीजेपी का प्लान फतेह। में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व के सामने, उनके कर्तृत्व के सामने, उनके विजन के सामने समाजवादी पार्टी पूरी तरह रिहाई होने वाली है। घोसी का चुनाव हो या आने वाले 2000 लोकसभा का चुनाव। केशव ने पूछा, स्वामी के पीछे कौन? अखिलेश मौन। यह निश्चित तौर से बहुत ही निंदनीय बयान है और इस प्रकार के बयान से हासिल कुछ नहीं होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी को इसमें क्यों मजा आता है? समाज में पहले ये हिंदू मुस्लिम दंगा कराते थे, तो हिंदू धर्म को धोखा कहते कहते खुद ये धूर्तता का खोखा बनते जा रहे हैं। अब ये खोखा अवैध है, वैध है, ये तो समाजवादी पार्टी स्पष्ट करे। इमरान के साथ खेला, मायावती ने पार्टी से निकाला। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई और 8000 से हम लोग 1.5 लाख पर चले गए और जबरदस्ती हमें चुनाव हराया गया। अगर पार्टी के मूवमेंट को बढ़ाने में और पार्टी को ताकत देना अनुशासनहीनता है, तो मैंने अनुशासनहीनता की है। घोसी उपचुनाव का रण, अखिलेश वर्सेस योगी। कि हमें बाहर से भी लोग लाने पड़े, बाहर से भी लोग लाने पड़े इस उम्मीद से कि सब मिल जाएंगे तो हम सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि स्वार्थ के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ये वास्तव में उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल। हमने बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को बाहर करके आज देश के विकसितम राज्यों की ओर अग्रसर कर दिया। 24 की लड़ाई यूपी में सियासी पारा हाई, बल्कि पूरा अपोजिशन इसमें लगा हुआ है कि यूनाइट होकर, और मतलब ये कि जो फैसला लेगा वो सही भी होगा और सब मानेंगे उसको। इसलिए वक्त से पहले किसी के चेहरे को सामने लाना जो है इसमें फूट पड़ जाएगी। तो आज पूरे देश में जिस तरह से एक फ्यूज बल्ब का झालर विपक्षी गठबंधन का बन रहा है,
इससे साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्षी गठबंधन सिर्फ सत्ता पाने के लिए गठबंधन कर रहा है। और अब वक्त हो गया है महाबहस के सवालों का, एक एक करके वो सवाल आपको दिखाते हैं आज चर्चा में जो हम पूछने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर एक, सोनिया डिंपल का गढ़, बीजेपी का प्लान फतेह। तो बीजेपी ने जो मिशन 80 है उसके चलते रायबरेली और मैनपुरी के लिए भी कोई फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। हाँ, तो वो प्लान क्या है इस पर पूछेंगे सवाल। और सवाल ये भी होगा, स्वामी के पीछे कौन? अखिलेश मौन, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसके पीछे अखिलेश यादव है, पार्टी का और पार्टी अध्यक्ष का मौन समर्थन है। और सवाल नंबर तीन, घोसी उपचुनाव का रण, अखिलेश वर्सेस योगी, क्योंकि ये दोनों ही शख्सियत अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे और अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांगेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सारे घटनाक्रम हुए हैं, इसी पर शुरू करेंगे डिबेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, थोड़ी देर में बसपा के नेता भी जुड़ेंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ हैं और युवराज पोखराना जी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनिला जी आप ही से करने जा रहे हैं, आपका कहना है कि मिशन 80 के लिए 14 सीटें ऐसी हैं जो पूर्व में बीजेपी हारी थी, उनमें रायबरेली की भी सीट है, मैनपुरी की सीट है, उन 14 सीटों पर आपने रणनीति बदली है, गृहमंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक वहां पर कार्यक्रम करेंगे, क्या फुल प्रूफ प्लान है इस बार बीजेपी का मिशन 80 के लिए? मेरी सबको राम राम। और आप बिल्कुल बात ठीक कह रही हैं कि 2019 में जो सीट हम हारे थे उनके ऊपर तैयारी तो हमने तभी से शुरू कर दी थी जिस दिन हारे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, हम जो हैं जीत कर खुशियां मनाने में नहीं बैठ जाते हैं और हार कर मन उदास करके नहीं बैठ जाते हैं, निरंतर कार्य करते हैं, कर्मठ लोग हैं, जो कर्मठ लोग होते हैं वो निरंतर कार्य करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का डेफिनेटली जो सीट हम पिछली बार हारे थे इस बार जीतेंगे, और आप देखिएगा 80 में से 80 सीटें आएंगी। और ये घमंडिया अलायंस जो गठबंधन बना है ये पता नहीं कौन सा ख्वाब देख रहे हैं और इनको लग रहा है कि नहीं नहीं हम अगर कांग्रेस आ जाएंगे, हम अगर समाजवादी आ जाएंगे, आरएलडी आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे और पूरा मैथमेटिक्स सामने रख। अरे भाई मैथमेटिक्स क्या सुना रहे हो, पूरी केमिस्ट्री चलने वाली है और केमिस्ट्री जो है ना पूरी की पूरी डबल इंजन की सरकार के साथ है। यानी कुल मिलाकर आप लोग अपनी विकास योजनाओं और सरकार द्वारा किए गए कामकाज के दम पर ये कह रहे हैं कि आप ही जीतेंगे, घोसी उपचुनाव भी और 2024 में 80 सीटें भी। लेकिन बहुत सारी बातें अनिला जी, उन बातों को मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, लेकिन एक एक कमेंट पहले सबसे ले लेते हैं। दीपक रंजन जी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक रंजन जी, अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं घोसी के अंदर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। बड़ा सवाल यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस तरह के बयान जानबूझकर दिलवाए जाते हैं। खुद वो सनातनी हिंदू की बात करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य से इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं ताकि दोनों वोट बैंकों को आप खुश रख सके। इस सबके पीछे अखिलेश यादव है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू में जब से हारे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से, तब से वो अपना मानसिक संतुलन तब से खो चुके हैं, उनको अविलंब उपचार कराने की जरूरत है। और किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आज चुनावी मैदान में थे, घोसी में बाय इलेक्शन चल रहा है और घोसी की सम्मानित जनता हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को पूर्ण बहुमत के साथ वहां पे जिताने जा रही है। और जो दल बदलू है वहां पे, जो कभी बसपा कभी कांग्रेस कभी भाजपा फिर सपा फिर भाजपा में जाते हैं, अब की बार वहां की सम्मानित जनता जो है वो उनको धूल चटाने जा रही है। लेकिन दीपक जी, ये सारी बातें तो आप लोग पूर्व में भी करते रहे, नतीजा देखते आए, पूर्व के उपचुनाव हो, हाल ही के निकाय चुनाव हो, सब जगह पर बीजेपी बढ़त के साथ और काफी आगे है आपसे, जीत दर्ज कर रही है लगातार, ये सारी बातें तो आप पूर्व में भी करते आए। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी ना कभी हार से घबराती है और ना कभी जीत से इतराती है। ठीक है, हम लड़ करके हार रहे हैं, फिर लड़ करके जीतेंगे हम। और जिस तरीके का अहंकार हमारी बहन अनिला सिंह जी के अंदर है, जिस तरीके का ये
इंडिया अलायंस और घमंडिया कह रही हैं। मैं समझता हूं कि घमंड तो इनके अंदर चूर चूर भरा हुआ, जिस तरीके से घमंड में ये चूर है और घमंडिया तरीके से ये बात बता रही हैं, कह रही हैं, तो मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ घोसी चुनाव में एकजुट होकर के वहां पर जो दल एक दावा बीजेपी ने किया कि हम जीतेंगे, दूसरा दावा समाजवादी पार्टी कर रही है कि हम जीतेंगे, लेकिन इस जीत के पीछे की जो रणनीति है मुझे लगता है उसकी परतों में हमें जाना होगा। राकेश गौतम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता बसपा। राकेश गौतम जी, फाइनली इमरान मसूद को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन वो तो अब भी कह रहे हैं कि जहां से मैं चुनाव प्रचार करने के लिए गया वहां तो पार्टी के वोट बढ़े ही हैं, और अगर मैंने पार्टी के वोट बढ़ाने के लिए आपको लगता है अनुशासनहीनता की है तो हां मैं अनुशासनहीन हूं। इमरान मसूद आप जानते ही हैं, उनका इतिहास अगर उठा के देखें तो अब उनके बसपा छोड़ देने से या चले जाने से किसको फायदा किसको नुकसान, चुनाव नजदीक है। आस्था जी, उनके जाने से कोई पार्टी को नुकसान नहीं होगा और ना किसी को फायदा होगा। बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है तो उनका वोट बीएसपी को ही जाएगा, लेकिन हमारी पार्टी में सबसे पहले अनुशासन सबसे पहले है, और अनुशासन से जो ज्यादा बाहर जाएगा वो पार्टी से बाहर होगा। ठीक है, बेशक आप ये कह रहे हैं कि जिसने अनुशासनहीनता की है वो पार्टी से बाहर होगा, लेकिन इमरान मसूद लगातार बयानबाजी कर रहे थे, पार्टी लाइन से अलग हट करके बयान दे रहे थे, और अब फाइनली ये फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया। आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद के जाने से कोई और पार्टी इसका फायदा नहीं उठाएगी और बसपा को तो कम से कम कोई नुकसान नहीं होता। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रियंका गुप्ता जी, बीजेपी जिस मिशन 80 पर काम कर रही है उसमें रायबरेली की भी सीट है, अमेठी आप पूर्व में हार चुके हैं, और इस बार कहा जा रहा है कि फुल प्रूफ प्लान तैयार है उन सीटों के लिए जो 2019 में बीजेपी के पास नहीं थी, रायबरेली भी एक है उनमें से। ठीक है आस्था, मुझे जहां तक लगता है कि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती चली जा रही है, आज तीसरी मीटिंग होने जा रही है कल, और सिलेंडर के प्राइस जैसे जैसे कम हो रहे हैं उससे पता चलता है कि क्या डर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उसके गठबंधन के अंदर, क्योंकि वो डर साफ दिखाई देता है। जिस तरह से ईडी और सीबीआई सक्रिय हो रही है राज्यों में, चुनाव है जहां जहां, तो उससे भी साफ जाहिर होता है कि इस बार बीजेपी को और उसके गठबंधन को पूरी तरह से ये पता चल चुका है कि वो इस बार हार रहे हैं, चाहे वो तीन राज्यों के चुनाव हो, चाहे आने वाले जितने भी चुनाव है, उसके बाद 24 का चुनाव है, उन सारे चुनाव में इनको आंतरिक सर्वे पूरी तरीके से मिल चुका है। जिस तरह से ये आप देखिए कि महंगाई के मुद्दे पर बोलते नहीं, एक चुनाव का मुद्दा क्या होता है, सिर्फ इंडिया गठबंधन के ऊपर ये बोलते रहते हैं, उसका कहीं ये नाम प्रनाउंस करते रहते हैं कि कहीं उसको किसी चीज से तुलना करते रहते हैं, उसके घमंड के बारे में बताते। अरे घमंड में तो आप ऐसा हम आपने तो सुना ही नहीं, पूरे 9 साल ना बेरोजगारों की सुनी, प्रियंका जी वो कह रही है, महिलाओं की सुनी, वो कह रहे हैं कि गठबंधन में हम है, विपक्ष का गठबंधन कमजोर है, और सुभाषपा का कहना है तो सारे के सारे फ्यूज बल्ब के झालर है। ये फ्यूज उड़ा हुआ क्यों है ये भी तो बताए, फ्यूज तो इन्हीं का उड़ा हुआ है, सारे मिलके पूरे इंडिया गठबंधन को ही डिस्क्राइब करने में लगे हुए। अरे अपना काम करिए ना साहब, आपने अपने अपने काम बताइए कि 9 सालों में आपने क्या काम किया, एक साल ही तो बचा है चुनाव में, एक साल भी नहीं बचा, अभी तो चुनाव भी सुनने में आ रहा है जल्दी करना चाह रहा है, देखिए इनका डर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने जनता को कुछ दिया है, जनता से अगर पूछे कि महंगाई के बारे में तो ये इधर उधर घुमाने लगेंगे, सिलेंडर की प्राइस पर इन्होंने जो 1200 रुपए पकौड़े कलवाए, 1200 रुपए के सिलेंडर पे पकौड़े कलवाए, आप बताइए कहां से सस्ता हो रहा, अब कौन सी आप ठीक है, सबका जवाब अनिला जी देंगी, अनिला जी सबका जवाब देंगी। उससे पहले एक कमेंट युवराज पोखरना जी से, हमारे बीच में है राजनीतिक विश्लेषक युवराज भी, एक तरफ बीजेपी का मिशन 80 जिसमें कि रायबरेली भी है और मैनपुरी भी है, और दूसरी तरफ विपक्ष आश्वस्त है कि इस बार जो गठबंधन है INDIA नाम का वो बीजेपी को हरा देगा। घोसी उपचुनाव सामने है, मौजूदा स्थिति का आकलन कर लेते हैं एक बार। देखिए मैडम, ये बड़ी साफ सी बात है, भाजपा लोगों को डिलीवर करने में काम कर रही है, योगी जी मोदी जी ने मिलके जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की छवि दी है, और ये कहने की बात नहीं है, बड़ी क्लैरिटी से काम किया है। सबसे बड़ा मैनेज जो सबसे बड़ा जो वहां पे दूषण था वो लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर नाकामी थी, लॉ एंड ऑर्डर को साझा कर दिया है। और दूसरी बात, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मोदी जी ने जो एक अचीवमेंट एक टारगेट दिया देश को, तो आप जानते होंगे कि 5 ट्रिलियन में से $1 ट्रिलियन का दारोमदार केवल उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश पे आया है, तो देश का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा चुनाव में। और ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जो खामी है वो ये है, अंग्रेजी में कहते हैं अपने पांव पे गोली मारना। आप ये बताइए, कभी आप हिंदू धर्म को फर्जी कहते हैं, कभी रामचरितमानस को बैन कराने की बात कहते हैं, कभी आप समाज में धड़े करने की बात कर रहे हैं,
ये सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल ऑपोजिशन खुद करी जा रही है। ठीक है, और आप भाजपा को देखिए। जी जी दीपक रंजन जी, आपने सुनी बात, एक एक करके सेल्फ गोल कर रहे हैं और चुनाव नतीजों के बाद फिर ईवीएम पर इल्जाम तो नहीं लगाएंगे? नहीं, ईवीएम पे हम क्यों इल्जाम लगाएंगे, ईवीएम पे इनके सांसद बोल रहे हैं, ईवीएम पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोल रहे हैं, हमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है आस्था जी। इन्होंने इनके सांसद से उन्होंने पूछा कि वो ईवीएम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि जो वोट कहीं में नोटा में पड़ेगा, वोट कहीं और पड़ेगा, लेकिन वोट तो पूरा भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे आएगा। ये आपने सुना कि नहीं सुना आस्था जी? तो इस पे प्रश्न हम नहीं उठा रहे हैं, चुनाव से पहले इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो प्रश्न उठा रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्लान हो, कोई भी फुल प्रूफ प्लान हो, इनके सारे प्लान रखे रह जाएंगे। अगर देखिए 9 साल में अगर इन्होंने कोई काम किया होता, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार महंगाई बेरोजगारी की दिशा में अगर इन्होंने कोई काम किया रहता, उसके आधार पर लोग जनता के बीच में जाते तो निश्चित रूप से आस्था जी जनता इनको हाथों हाथ अनिला जी कर दी। लेकिन देखिए, इन्होंने जनता को बेहाल करके रखा हुआ। मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था, आपने जीत का अंतर देख लिया, कितना बड़ा अंतर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में रहा है। रायबरेली में सोनिया गांधी वहां से सांसद हैं, लगातार कई बार की वो वहां से सांसद रही हैं, तो मुझे बताइए कि ऐसे किस कार्यक्रम या प्लान पर आप लोग काम कर रहे हैं जो इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि 2024 में तो रायबरेली और मैनपुरी तक जीत जाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल, 2019 से लेके 2017 से लेके 2023 तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती है। ठीक है, ये बारंबार जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि केवल और केवल ये हिंदुओं की बात करते हैं, केवल और केवल हिंदू आस्था की बात करते हैं, इसके आधार पे क्या ये चुनाव जीत जाएंगे, और हर बार इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, और हर बार जो कार्य हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जितने भी पैरामीटर्स हैं उस पर जो किया है उसके आधार पर। हाँ, आस्था का हम बिल्कुल सम्मान करते हैं, सभी के धर्म का सम्मान करते हैं, पर कोई हमारे हिंदुओं के धर्म का अपमान करेगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन अपमान तो कर रहा है? यहाँ पे अस्पताल नहीं बने क्या? यहाँ कॉलेज नहीं बनी? यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लगी क्या? ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है एक्सप्रेसवे के नाम से नहीं जा एक्सप्रेसवे स्टेट के नाम से नहीं जाना जाता है? यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो 15-15 बन रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में नहीं बन रहे हैं? स्मार्ट सिटीज यहाँ नहीं बन रही? 10 से ज्यादा यहाँ पे मेट्रो जो प्रियंका गुप्ता जी फिर भी पकड़ रहे हैं वहाँ पे नहीं हो रहे हैं? कहाँ हो रहा है? हवा इनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? परंतु किसानों की आय ये दुगनी नहीं कर पाए, बल्कि किसानों को भी जीत के नीचे बहुत जरूरी है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी की तरह मत कूदिए, किसान तो बेचारे अड़े पड़े थे। और उसके बाद ये बताइए, ये सिलेंडर पे 1200 रुपए क्यों किस खुशी में वसूल रहे थे? आप बताइए कि पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी है उसे 27,00,000 करोड़ रुपए ये ऑलरेडी कमा चुके हैं, जनता को इन्होंने क्या दिया बताए ना? आप बताए रोजगार की क्या हालत बना रही? 2 करोड़ रोजगार हर दिल्ली ने की बात कही थी, आज 50,000 देना लगा के बांट रहे हैं। अनिला जी आपको ठीक है? ठीक है प्रियंका जी, मैं आपका सवाल मैं पूछ देती हूँ, आप दोनों लोग एक वक्त में बोल रहे हैं। अनिला जी, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का यह भी कहना है कि जो सिलेंडर के दाम में कमी की गई है वो भी इन्हीं के दबाव का नतीजा है, चुनाव पास आ रहा है इसीलिए ये दाम कम किया गया। मैडम को कोई काम नहीं, बीच में चल रही है, एक सीट भी नहीं मिलने वाली है, ड्राइवरें भी जा रही है इनके हाथ से, इंडिया गठबंधन का काम से कुछ फायदा नहीं है। जो इनको डर है, और ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश में तो आप लोग आउट है, एक सीट भी नहीं मिलेगी, गायब। आप देखिए ईडी सीबीआई किस तरह से सक्रिय हो गई है जहाँ जहाँ चुनाव है। इतिहास पढ़कर बैठा करिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को तोता बनाया हुआ है, पिंजरे का तोता बनाया हुआ है। झांकी और जरा इतिहास पढ़िए, आकर चिल्लाने से ना तथ्य नहीं आते हैं, तथ्य जानने के लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, जो कांग्रेस पार्टी की बस की नहीं है। चलिए आप लोग आपस में मत उलझिए, मेरा सवाल अभी भी वही है। मैं तो आराम से बोल रही थी, यही मैडम बीच में। ठीक है सवाल मेरा अभी वही है जी, सवाल ये पूछा जा रहा है। ठीक है प्रियंका जी, आपने अपनी बात रख दी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अनिला जी, सवाल यहाँ पर ये आया है कि चुनाव नजदीक हैं और विपक्ष ने क्योंकि मुद्दा उठाया इसीलिए प्रेशर बना और सिलेंडर के दाम कम किए गए। ठीक है, अगर इनको ये लगता है कि भाई चुनाव के डर की वजह से जो है 200 रुपए कम कर दिए हैं सिलेंडर में, और इनको लगता है कि 200 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिए हैं तो इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी, तो इनको खुश रहने दीजिए ना। हमारी
सेहत पे क्या असर पड़ता है? इन लोगों से ये पूछना चाहिए भाई, जिन राज्यों में आप लोगों की सरकार है वहां पे पेट्रोल डीजल और ये सिलेंडर इनके दाम क्यों नहीं कम किए? उस पर तो आप बैठ लगा देंगे। आप लोग मैंने जनता को मूर्ख समझा हुआ है, इसीलिए हार पे हार आप लोग को मिलती है। कर्नाटका में क्या हाल लोगों का हो रखा है, हिमाचल में क्या हाल लोगों का हो रखा है, झूठ बोल बोल कर, झूठ बोल बोल कर ये लोग वायदे करते हैं, जीतते हैं फिर पूरे कर नहीं पाते। ठीक है प्रियंका जी, जवाब दे रही हूं, उनको स्क्रीन पर लाइए पीसीआर। और हिमाचल में कंगाल हो चुके हैं, खड़े हुए केंद्र सरकार के सामने, कुछ कुछ दे दो, कुछ दे दो, हमने झूठ बोला था। ये हाल है कांग्रेस पार्टी का, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है पार्टी है आपकी। अनिला जी ये तथ्य रख रही हैं प्रियंका जी, एक मिनट आप दोनों शांत हो जाइए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रियंका गुप्ता जी, अनिला जी प्रियंका गुप्ता जी ने ये तथ्य रखा है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां वहां 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। पढ़ाई लिखाई करके आया करें, वो कह रही है जहां जहां कांग्रेस की सरकार है 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। इनसे यही तो मैं पूछ रही हूँ, तो फिर क्यों रोना रो रहे हैं? हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे काम करें, हमने जो वायदे किए हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, हम केंद्र सरकार से पैसे मांग रहे हैं, केंद्र सरकार पैसे नहीं। अरे झूठ बोल बोल के लोगों से वोट मांगते हो और फिर कह रहे हो कि हम तो करना चाहते हैं, हम तो करना चाहते हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ये झूठों की पार्टी है, क्योंकि हमेशा भ्रष्टाचार करते रहे हैं, आदत तो वही है, काम धाम कुछ करना नहीं है, केवल कमीशन खोरी करनी है। चलिए ठीक है, आपसे वाद विवाद में मत उलझिए, और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में, मैं उनके पास सवाल ले जाती हूँ। दीपक रंजन जी, हाल ही में मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी ने बड़े अंतर से वहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब बीजेपी का दावा है कि 2024 में वो सीट आपसे छीन ली जाएगी और उसके लिए प्लान तैयार हो गया है, गृह मंत्री से लेकर और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सबके कार्यक्रम वहां पर लगाए गए हैं। देखिए ये लोग दिन में ही सपना देख रहे हैं, और रहा सवाल ये जो हम लोग आम चुनाव में 2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलायंस मिलकर के हम लोगों ने 16 सीटें जीती थी, ये सही है कि दो बाय इलेक्शन में रामपुर और आजमगढ़ जो है हम लूज कर गए थे, आज 14 सीट है विपक्ष के पास। लेकिन मैं तो समझता हूं कि ये हमारी सीटें छोड़ दें, ये अपनी सीटों की चिंता करें, क्योंकि ये अपनी सीट खुद हारने जा रहे हैं और कोई ताजुब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां की जनता भगाने का काम कर रही है, बनारस की जनता, क्योंकि अगर इन्होंने काम कुछ किया होता ना, 9.5 साल के जो नाकामी कर रहे हैं उसके पूरे जिम्मेदारी बनारस में तो बहुत कुछ गिनवाया जाता है। मैं आस्था, वहां क्या क्या हुआ है? आप ये आधार आपने भाजपा वालों से पूछा? आपने आधार भाजपा वालों से पूछा? मैंने सबसे सवाल किया है, मैंने उनसे पूछा है कि वो मैनपुरी में जीत के लिए दावा क्यों कर रहे हैं, और यही सवाल मैंने आपसे भी पूछा है, लेकिन आपने वाराणसी का जिक्र किया। देखिए वाराणसी का जिक्र किया और बहुत कठोर लफ्जों का इस्तेमाल कर दिया। आस्था जी ताली अगर कप्तान को तो क्रिटिसिज्म भी कप्तान को, और एनडीए के कप्तान नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी को बनारस की जनता वहां से उखाड़ फेंकने जा रही है। चलिए ये आपका चुनावी भाषण है, तथ्य आपने अभी तक नहीं दिया है, तथ्य अभी तक नहीं दिया है, क्यों और कैसे? युवराज को खरना जी, राजनीतिक पार्टियां लफबाजी करती रहेंगी। यदि आपको गैस के सिलेंडर पे वोट पड़ना था तो मुझे बताइए 2022 में पिछले वर्ष योगी जी को एक जो थंपिंग मेजोरिटी वो कैसे मिली? और रही बात 500 रुपए में सिलेंडर देने की, आप यहां बैठे कौन से, हम भी जाते हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सभ्यता रखिए, सभ्यता रखिए, आपके संस्कार यहां मत दिखाइए, संस्कार मत दिखाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। दीपक रंजन जी जवाब सुन लीजिए, कहां के लफाज़ हो? जवाब सुन लीजिए दीपक रंजन जी, पर्सनल अटैक मत करिए एक दूसरे पर, पर्सनल रिमार्क नहीं एक दूसरे पर, एक एक करके आप बात रखिए। युवराज जी बड़े संयमित होकर सभी पैनलिस्ट की बात सुन रहे थे, अब उनको जवाब देने दीजिए, और आपको कुछ कहना है तो मैं आपको अलग से समय दे दूंगी। दीपक जी फैक्ट्स रखिए, ठीक है? दीपक जी मैं जनता का प्रतिनिधि नहीं हूँ, आप दोनों आपस में मत उलझिए। मैंने आपसे बोला कोई गलत लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं जिसका नाम लूंगी अपने समय पर वो पैनलिस्ट अपनी बात रखेगा। युवराज जी फैक्ट्स पर बोलिए।
फैक्ट इतना ही है मैडम, यदि इनको गैस के सिलेंडर पे वोट पड़ना था तो मुझे लगता है कि 2022 में योगी जी को जो समथिंग मेजोरिटी या फिर बीच में, कौन सी अमर्यादित बात कर दी मैंने, डिबेट करने बैठे शालीनता रखिए भाई साहब थोड़ी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यदि गैस के सिलेंडर पे वोट पड़ना था तो 2019 में मोदी जी को वोट नहीं पड़ता, 2022 में योगी जी को वोट नहीं पड़ता। जो विकास किया है, जो उत्तर प्रदेश बनाया है, जो लॉ एंड ऑर्डर को संवारा है, जो एयरपोर्ट बनाया है, जो काशी का कायाकल्प किया है, जो बनारस को बदला है, लोगों ने देखा है, जो अयोध्या में हुआ है, जहर बन जाएगी वो चाहे, इसी के भरोसे है क्या विपक्ष दीपक रंजन जी? आप कह रहे हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, बस हांडी फूटने का इंतजार आप करेंगे? दीपक जी जनता जनता के साथ गाली गलौज करिएगा कि कुछ काम करिएगा क्षेत्र में, नहीं का मैंने झूठ की हांडी का है उत्तर प्रदेश, ठीक है कहावत वही है ना जिस पर आपने भारतीय जनता पार्टी पड़ोस, देश के प्रधानमंत्री हो या देश के रक्षा मंत्री हो उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश भाजपा के साथ ही रहेगा। जनता के बीच में जाके बात करिए, युवराज जी आपने बात पूरी कर ली, आप शांत हो जाइए। ये सवाल मेरा दीपक जी और प्रियंका जी आप दोनों से है। आप लोग एक बात को बार बार कह रहे हैं, अभी दीपक जी आपने महंगाई का जिक्र किया, बेरोजगारी का जिक्र किया, आपने कहा झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इतने सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आपको लग रहा है कि पब्लिक वोट कर रही है या करेगी, तो फिर सनातन जैसे विषयों पर आपको क्यों बोलना पड़ता है? क्यों आपकी पार्टी को कहना पड़ता है हम सनातनी हिंदू हैं, बहुत शांत है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, क्यों कहना पड़ता है बताइए मुझे। आस्था जी हमारी पार्टी का आस्था जी तो क्या हमको हमको सर्टिफिकेट लेना, भारतीय जनता पार्टी से हमको सर्टिफिकेट लेना है क्या? हमको भारतीय जनता पार्टी से हमको सर्टिफिकेट लेना है कि हम किस जाति में पैदा हुए, किस जाति में हम, किस धर्म को मानेंगे, किस धर्म को नहीं मानेंगे? तो क्या जनता की जनता जो परेशान है उनकी आवाज उठाने का हक विपक्ष को नहीं आस्था जी? जनता जो परेशानी झेल रही है एनडीए की सरकार में, हमको आवाज उठाने का हक नहीं है? ये बात ये आज बैठकर यहाँ पर जो विश्लेषक है वो बोल रहे हैं कि इन्होंने सिलेंडर के दामों पर वोट नहीं किया। हाँ नहीं किया सिलेंडर के दामों पर वोट, क्योंकि उन्हें जरूर उन्हें लगा था कि आप उनके लिए कुछ करेंगे। इस देश की जनता ने आपको बहुमत दिया, आपको पर विश्वास किया, पर आपने क्या किया? आपने चंद अमीरों को हाथ में पूरे देश के पीएसयू सौंप दिए, आपने उन चंद अमीरों को तो अमीर कर दिया पर इस देश की जनता को और गरीब कर दिया। आज हम किस स्थिति पे आके खड़े हैं, 145वें नंबर पर है जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। आप बताइए कि किस तरह से हम कुपोषण के बच्चे हैं इस देश में पैदा होते हैं। एक्चुअली आस्था जी मैं इसीलिए कहती हूँ कि इतिहास पढ़कर जानना चाहिए, तथ्यों पे बात करनी चाहिए। पीएससी और ये सब बात कर रही हैं, मतलब ये वही राजनीतिक दल है जब सत्ता में थे तो जितने प्राइवेट बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया और फिर बाद में फिर आपने देखा है कि समय अनुसार नेशनलाइज बैंक जो थे उनमें फिर वो प्राइवेट बैंक वाला ये लेकर आ गए हैं। पीएसयू क्यों बनाए गए थे? हमें मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो सोच थी, जो वो कैरी फॉरवर्ड इंदिरा जी की सोच थी, किस प्रकार से कम्युनिस्ट माइंडसेट को लेकर ये सारी चीजें की गई। सरकार का काम होता है, समय खत्म हो रहा है मेरे पास, समय खत्म हो रहा है, आज सब लोगों ने अपने अपने मुद्दों का जिक्र दिया है, ठीक है। बड़ी भूल तो बीजेपी का ये कहना है कि 2024 के लिए मिशन 80 पर काम जोर शोर से चल रहा है और इस बार रायबरेली और मैनपुरी जैसी सीटें भी बीजेपी अपने नाम करेगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि उसका गठबंधन मजबूत है और काट की हांडी जिस तरह बार बार नहीं चढ़ती, इस बार बीजेपी गेम से बाहर होगी। बहरहाल 2024 में वक्त है, तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, पार्टी छोड़ने वाले नेता, पार्टी ज्वाइन करने वाले नेता, आए दिन कोई ना कोई बदलाव सामने आ रहा है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाभैस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे।